पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बनाए गए विपक्षी गठबंधन इंडिया के भविष्य को लेकर उठाए जा रहे सवालों के बीच राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा है कि वह इंडिया गठबंधन के साथ हैं और अखिलेश यादव के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम विपक्षी दलों को साथ लेकर चलेंगे। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों पर दर्ज किए गए मामले अभी वापस नहीं लिए गए हैं। वहीं तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की संसद की सदस्यता रद्द किए जाने पर उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है। ये सरकार विरोध करने वालों को जेल में बंद कर देती है और संसद में बोलने वालों की सदस्यता रद्द कर देती है। राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। रालोद ने भी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में शनिवार को जयंत चौधरी लखनऊ पहुंचे। जयंत बैठक के बाद इको गार्डन में नियुक्ति के लिए अनिश्चितकालीन धरना दे रहे 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों से भी मिलेंगे। पार्टी पूर्व में भी इनका समर्थन कर चुकी है। वहीं इन अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे विजय यादव ने कहा कि जल्द ही उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी तो सीएम आवास का घेराव करेंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।